हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं अपने चैनल पे कोई न्यू ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, सबसे पहले अपनी बुटीक वगैरह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बुटीक पे कुछ काम करवाया था, तो आप बुटीक की झलक भी देख लेना। दूसरा ये कि दोस्तों, घर में एक मेहमान आया है, उससे भी हम आपको मिलवाएंगे। और तीसरा ये कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, आप लोग शायद उसे जानते भी हों, क्योंकि आपको मैं जब दिखाऊंगा तो आप सब समझ जाएंगे। तो सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे हम इस ब्लॉग में, तो एंड तक बने रहना। और दोस्तों, इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। और कोशिश करूंगा दोस्तों, एक दो दिन छोड़ के कुछ ना कुछ ब्लॉग में बनाता रहूँ। और जैसे ब्लॉग आते रहेंगे तो दोस्तों, आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहना। अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, इसलिए कोई ब्लॉग वगैरह हम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन हम साथ में हम ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, हम चलेंगे अपने बुटीक पर, आपको हम अपनी बुटीक दिखाते हैं, फिर मिलवाएंगे हम अपने नए मेहमान से जो हमारे घर पर आए हैं। तो उसके बाद तो कौन है आप एक बार गैस करके कमेंट करके बताना। अगर आप देख ही लोगे आगे बढ़ा के, तो आपको तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं बुटीक पे। तो दोस्तों, मैं बुटीक में आ चुका हूँ, और बुटीक में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ काम करवाया था। तो शायद आपको ये बुटीक अभी मैंने नहीं दिखाई, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बुटीक, ध्यान से देखें। तो दोस्तों, ये देखिए, इस जगह पर ये रैक लगे हुए थे, ऊपर अभी खाली है। तो नीचे वाले दो रैक हैं, ये मैंने अभी लगवाए हैं, जहाँ पर पैटर्न से रखे हुए हैं। और इस साइड में तो कोई भी रैक नहीं था, तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा जो दीवार में आप देखेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पे रैक लगवा दिए हैं। तो यहाँ पे काम हो रहा है, अभी मैंने बंद किया हुआ है, एक हफ्ते छुट्टी पे हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये रखे हैं आपका पेपर, जिससे हम खुद मैनुअली कटिंग करते हैं। और ये हमारे पैटर्न्स हैं, ये तो सब देख ही चुके हो हम। तो ये जितने भी है ना, ये सब हमारा क्या नाम है, इसके अंदर ब्राउन पेपर है, जिस पर हम पैटर्न कटिंग करके आप लोगों को सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप देखो, सब पैटर्न्स लगे हुए हैं, ये सब यहाँ पे ब्लाउजेस के लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाली साइड में आपके पैंट के हैं, ऊपर वाली साइड में आपके प्लाजो के हैं। ये सब पहले से पहले हमने मेहनत करके तैयार करके रखे हैं, क्योंकि ऑर्डर आते हैं तो हम उसको अच्छी तरह टाइम पे तैयार करके दे पाएँ, इसलिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कर दिया। फिर ये देखिए, थोड़ी बहुत फिटिंग यहाँ पर काउंटर था, काउंटर हटा दिया। जैसे एक ही काउंटर रखा है, कभी कभी मैनुअली कटिंग करना पड़ जाता है, कोई एक स्पेशल कटिंग करवाता है उसके लिए। बाकी बस यही चीज़ है, बुटीक काफ़ी टाइम से ओपन नहीं की। तो ये देखिए, काफ़ी पेपर वगैरह पड़ा है। ये मेरी किट है, क्रिकेट वगैरह खेलने जाता हूँ, तो इसमें बैट पैड हेलमेट वगैरह सब हैं। और ये हमारे जो कटिंग बचती है, तो इस तरीके से हम इसमें भर देते हैं कट्टे में, फिर बाद में दे देते हैं कबाड़ी वाले को। तो बस यही चीज़ आपको बुटीक दिखानी थी, काफ़ी टाइम हो गया। उस टाइम टाइम भी हो रहा है 2:30 बजे करीब, मैं अपने दोस्त के पास चला गया था। तो बस दोस्तों, यहाँ पे आपको मैंने अभी दिखा दी बुटीक, अब चलते हैं अपने घर पे, आपको नए मेहमान से मिलवाते हैं, जो हमारे पास मेहमान आया है उससे मिलवाएंगे। फिर अपना दोस्त है, अगर वो आता है तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। और उसका जो चैनल है वो भी बताऊंगा मैं, शॉर्ट्स पे वीडियो बनाता है। पहले मैंने आपको दिखाया था, तो उनका हमने कहा था कि सपोर्ट करना, लेकिन दोस्तों अब उनका चैनल काफ़ी ऊपर जा चुका है, अब उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। काफ़ी अच्छा उनका जो चैनल ग्रो कर रहा है, तो हम उनको विश करेंगे जब हमारे पास आएंगे। तो बुटीक वैसे छुट्टी पे था, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये बुटीक ओपन की है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। आज है शनिवार, कल संडे होगा, संडे वाले दिन आजकल क्रिकेट खेलने लगा हूँ, तो नंबर वगैरह सब बंद रखता हूँ मैं। उसके बाद मंडे से दोस्तों जो है अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। और अभी वीडियो वगैरह बहुत कम बन रही थी, सर्दी में काम करने का मन नहीं करता, इस वजह से वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा कम बन रही थी। तो चलिए दोस्तों, आप घर पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। उसके बाद जो है हम सीधा क्या नाम है, अपना दोस्त को कॉल करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है, उसको बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका, और उनको विश करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं घर पर आ गया हूँ, और अब मैं आपको मिलाऊँगा अपने नए मेहमान से। तो यहाँ पर देखिए, क्यूट सा मेहमान, ये रही मेरी प्यारी सी बेटी, और ये है मेरे चाचा के बड़े बेटे की लड़की। कितना टाइम हो गया इसको, मैं तो भूल भी गया चाची। अब डेढ़ महीने की जाएगी, डेढ़ महीने की हो जाएगी, तो काफ़ी टाइम हो गया, कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाया। ये देखो रोने लगी। तो इसका नाम है आबिदा। आबिदा बेटी, अब वो वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारे मतलब चाचा के जो मतलब हमारे बड़े चाचा हैं, उनके बेटे की लड़की है, और हम यही नए मेहमान था जिससे हम आपको मिलवाने वाले थे। आबिदा देखो, आपकी वीडियो बन रही है। तो दोस्तों देखो, बच्चे आप देखो कैसे देख रही कैमरे को, उसमें आप बिल्कुल एकदम अभी तो रो रही थी, और ऊपर पंखा भी चला दिया था हमने थोड़ा सा ना, ये देखो इसे भी देख के थोड़ी सी चुप हो गई है। ये देखो इसे नींद आ रही है, ये सोना चाहती है, ये इसे सुला दो चाची हम। तो बस दोस्तों, यही थे अपने नए मेहमान से, हम आपको कह रहे थे मिलवाएंगे, वो यही है, छोटा सा क्यूट सा मेहमान। ये देखो रोने लगी, तो जब तक ये कैमरे में देख रही थी तो चुप थी। आबिदा बेटी, आबिदा बेटी, क्या है? हेलो आबिदा, ओह
हाँ ये घूमने को मांग रही होगी ना इस टाइम पे, वह नहीं घुमाओ अगर पंखा चालू ना हो तो ये फिर रोएगी। तो यही है कि अभी बच्चे कम से कम कितना घंटा सो जाती होगी तत्ती, हाँ मतलब अच्छा, और रात में रोती है, रात में रोती है, मैं ऊपर तक आवाज़ आती है मेरे रूम में तो आप बहुत ज़्यादा रोती है। तो चलिए ये भी चाचा बन गया हमारा छोटा सा भाई, ये हमारा खालिद भाई, इसको हमने गोदी में खिलाया है खूब, इतना ही छोटा था, अभी हमारे बराबर आ चुका है, ये चाचा बन चुका है अब। दोस्तों अभी मैं आया हूँ अपने वाले फ्लोर पे, जहाँ पे मैं और बड़ा भाई ताहिर रहते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा ताहिर भाई भी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, साथ में शहजाद सैयदा भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। और दोस्तों ऐसा होता है कि अगर बचपन से ही बच्चे जिस चीज़ में रुचि दिखाएँ तो अगर वो चीज़ उनको मिल जाए तो फिर मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो शहजाद का ये होता है कि सुबह सुबह कभी कभी आँख नहीं खुलती ना, तो आप यकीन मानो फजर के टाइम पे एक बार अपने दादू को बोला, दादू चलो नमाज़ का टाइम हो रहा है, उस टाइम पे नमाज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, जमात में सिर्फ 5 मिनट का टाइम रह गया था, तो अपने दादू के साथ वुजू बना के गया था, और वो अपना 5वां टाइम जो है ना अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ने जाता है जब उसको टाइम मिल जाता है। तो जरूर जाता है, अगर ट्यूशन वगैरह होता है तो मिस हो जाता है, लेकिन उसके दिल में एक शौक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ने थोड़ा दूर से ही दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी हम ब्लॉग बना रहे थे तो नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने सोचा दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है, और ये देखो सैयदा, यहाँ पे सैयदा क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो सैयदा, ये देखो भाग गई। तो दोस्तों ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया सैयदा, और यहाँ पर अब सैयदा आपसे बात करेगी, मेरे हाथ में गोप्रो कैमरा है, और गोप्रो कैमरा पकड़ के सैयदा आप लोगों से बात करेगी। तो सैयदा क्या बात करोगे आप पता है, आप क्या ना अस्सलामुअलैकुम, तो हेलो गाइस आप सब लोग कैसे हैं, ये बोलना, तो ये पकड़ो जब मैं बोलूँ तो आप बोलना, इसी को पकड़ो, वो कैसे ब्लॉग करते हैं अब बोलना, बोलो बोलो, हाँ बात करो, ये अपने हाथ में इसने गोप्रो ले लिया, अब बात तो करो सलाम करके, गाइस कैसे हो, नहीं है। बोलो गाइस कैसे हो आप सब लोग, गाइस आप लग लग। तो ये काफी ज्यादा बोलती रहती है, पता है क्या, ये मेरे को देखती है ना मेरे हाथ में गोप्रो होता है, तो ये उसी तरीके से क्या नाम है बोलने, तो ये अपने इसके पापा बता रहे हैं कि ऐसे करके, ये पता क्या कहती है रात में जब 12-1 बजे के आस टाइम कहते हेलो गाइस, तो अब मेरे को ना सुसु आ रही है, मैं सुसु करने जा रही हूँ, तो इस तरीके की बातें करती है ये, बहुत ज़्यादा मतलब बोलने लगी है। तो ये आप कहाँ से सीखते हो बेटी, कहाँ से देखते हो आप ये सब, ये मोबाइल देखती है ना, बच्चों के जो कार्टून अगर आते हैं उसमें कई ब्लॉग भी आ जाते हैं तो ये देखती रहती है, तो वहीं से ये सब कुछ सीखी है। तो सलाम कर दो, चलो अब आप जाओ सलाम कर दो, कांड करना भी सीख लिया। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने स्टूडियो में, तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट करूंगा, प्लान है कि अभी लाइव आ जाऊँ अमीना बुटीक चैनल पर और कुछ बातें वगैरह कर लें, आपके क्वेश्चन आंसर ले लें, लेकिन जो टाइम है ये वीडियो का टाइम है। तो अभी मैं आपको दिखाया था, मैंने काफ़ी टाइम पर वीडियो बनाई थी ना, मैंने सोचा चलो घर से बना लूँ, लेकिन अभी मैं ना नॉर्मल व्लॉग बना लिया करूँगा, जैसे कहीं जा रहा हूँ, अपना चांदनी चौक गया था लास्ट टाइम तो मैं व्लॉग दिखाया था, काफ़ी टाइम से सीलमपुर का था, लेकिन कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन वायरस आ गया कोरोना का, आपको मालूम होगा, उसके वजह से ODI-1 चल रहा था, एक दिन कोई शॉप ओपन होती थी तो 7 वाली बंद हो जाती थी, दिल्ली के अंदर ऐसा ही था। तो अब बहुत जल्द मैं सीलमपुर मार्केट जाने वाला हूँ, सोचा था संडे को जाऊँगा, लेकिन अब मेरे को स्पेशल टाइम निकालना होगा, क्योंकि संडे को मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया, तो मैं संडे को सिर्फ क्रिकेट खेलने ही जाता हूँ, और उस दिन और कोई काम नहीं करता, खेल के आने का काफ़ी थक जाता हूँ और आराम करता हूँ, तो एक दिन इन्जॉयमेंट हो जाता है, बाकी उसके अलावा जो है अब हम सीलमपुर वगैरह जाएंगे तो आपको पूरा स्पेशल ब्लॉग दिखाएंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि इस ब्लॉग में आप देखें आपको मज़ा तो आए, साथ में कुछ चीज़ें आपकी ऐसी काम की भी हों जिसमें आपको कपड़ा खरीदना हो या कहीं से आपको कोई मटेरियल खरीदना हो तो वो चीज़ की भी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, शनिवार की रात है, और जिस दोस्त का बर्थडे था वो अभी नहीं आया, कॉल भी पिक नहीं कर पाया, हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि बता रहा था मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, और कोई बात नहीं वो आएगा बाद में हम सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन बर्थडे विश तो मैं उसे कर ही चुका था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप मुझे आइडिया दो कि आप किस तरीके के ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ब्लॉग तो वैसे ही होता है, डेली रूटीन क्या है हमारी, तो बहुत सिंपल सी रूटीन है, अपना सुबह उठें,
उठने के बाद अपना नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद अपना बुटीक पे गए, ओपन करा, पेपर कटिंग किया, कॉलिंग टाइम पे कॉल करा, फिर वीडियो बना ली, फिर आए, फिर वीडियो बना ली, खाली टाइम मिला, फिर खाना वगैरह खा के फिर अपना सो गए। तो यही रूटीन है अपना। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बहुत बिजी जो चल रहा हूँ 20-25 दिन अभी और, तो इस टाइम पे अगर मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, जो मैंने एक टारगेट बनाया है तकरीबन 50 वीडियो का, क्योंकि मैं ब्लाउज कोर्स बना रहा हूँ, तो जब मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो शूट हो जाएगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्री हो जाऊँगा। और जैसे ही दोस्तों मैं फ्री होऊंगा, उसके बाद मैं अलग अलग जगह निकलूंगा और आप लोगों को अलग अलग ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग तभी आएंगे जब मैं एक जगह से फ्री होऊंगा। अभी पूरा प्रेशर मेरे ऊपर है। काफ़ी लोग जब कॉल करते हैं, मान लो क्लासेस की जानकारी चाहिए या किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए, तो मुझे उन्हें ना पर्सनली समझाना होता है। मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं या तो अपने भाई को या फिर किसी एक अलग बंदे को मतलब मैं रख लूँ अपने पास सैलरी पे, उसे ये चीज़ें समझा दूँ, जिससे कि मेरा टाइम फ्री हो सके और मैं आपको अलग अलग चीज़ें दिखा सकूँ। अब जैसे सीलमपुर का जब प्लान बनाओ कोई ना कोई बात हो जाती है, कभी प्लान मतलब टाइम नहीं मिल पाता, बीच में प्लान बनाया कोरोना हो गया, बीच में प्लान बनाया तो सुनने में आया कि ओडीवन चल रहा, एक दिन दुकान ओपन होती है, एक दुकान बंद रहती है, तो मज़ा नहीं आता ना। मार्केट में जाओ तो खाली खाली रहता है। अब जब रश होगा, अब तो दिल्ली में ओपन हो चुका है जहाँ तक मुझे अंदाजा है, तो आराम से हम ब्लॉग बना सकते हैं। वो संडे को मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया है, तो कल सुबह संडे क्रिकेट खेलने जाऊँगा, तो उसका भी पूरा ब्लॉग बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो संडे वाला दिन मैं सोच रहा था सीलमपुर चले जाऊं, लेकिन मेरे को स्पेशल अब टाइम निकाल के जाना होगा। कोई बात नहीं, अपना दिल्ली में अपना जहां जहां मैं घूम सकता हूं या जहां जहां आपको मैं दिखा सकता हूं, वो सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर कोई दिल्ली से नहीं है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो दिल्ली में जो चीज़ मैं कवर कर सकता हूं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मुझे किस चीज़ का ब्लॉग बनाना चाहिए, यानी कि एक आप राय दीजिए कि आप यहाँ पे जाए सर इसका ब्लॉग बनाएं, तो मैं भी उसको लिख लेता हूँ और मेरे पे भी एक कंटेंट होगा कि हाँ मुझे इस चीज़ का ब्लॉग बनाना चाहिए, ताकि आप लोगों की भी मेरे को थोड़ा सा मतलब पता चल सके ना आप लोग क्या देखना पसंद करते हो। अपना तो यही है, आपको मैंने बता दिया। वैसे तो ब्लॉग में कई लोग अपनी फैमिली वगैरह दिखाते हैं, अपनी तो फैमिली भी ऐसी है कि बड़ी मुश्किल से एक बार मैंने अपनी फैमिली से फैमिली ब्लॉग बनाया था, लेकिन हर बार फैमिली वाले राजी नहीं होते, अपने अपने काम में रहते हैं, इसलिए मैं फैमिली ब्लॉग तो ज़्यादा बनाऊंगा नहीं। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में एक ब्लॉग वगैरह का मतलब ग्रुप बना रहा हूँ, तो उनके साथ हम ब्लॉग परमानेंट बनाया करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और दोस्तों नेक्स्ट